अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद हलीम। वक्त है हेडलाइंस का। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में 8 अफराद जां बहक। दो भाइयों के कत्ल के खिलाफ मुश्तइल मुजाहिरीन की हंगामा आराई। ट्रैफिक 2 घंटे बाद बहाल। अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा मुफ्ती मुनीर माविया की नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के सामने कुछ देर में अदा की जाएगी। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। अगर उर्दू बोलने वाले सिंधी पसंद नहीं तो उनके लिए अलग सूबा बना दिया जाए। अल्ताफ हुसैन का मुतालबा। कौम परस्तों ने बयान के खिलाफ पीर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। परवेज मुशर्रफ की हालत तसल्ली बख्श। नाश्ते से पहले और बाद में खून के नमूने लिए गए। बरतानवी और अमरीकी डॉक्टरों की रिपोर्ट कल तक मौसूल होने का इम्कान। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ लाल मस्जिद ऑपरेशन के जिम्मेदार हैं। मौलाना शाह अब्दुल अजीज ने गाजी रशीद कत्ल केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। बरतानिया के कई इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। शारजा में अंडर 19 एशिया कप का फाइनल। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दे दी। और अबू धाबी टेस्ट में श्रीलंका ने 5 विकेट 420 रन से आखिरी दिन के खेल का आगाज कर दिया।